हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम आशीष अग्रवाल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड CSF एंड ब्लड ब्रेन बैरियर। जो मैंने आपको बोला था कि पिछली वीडियो में कि ये बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। तो गाइस, अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, ये फिजियोलॉजी का चैनल है, ठीक है गाइस। और मेरा फिजियोलॉजी का चैनल है मेनली, मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि गाइस क्या होता है, कम टाइम में अपन को ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट मिल जाए, क्योंकि आज अपने पास इतना टाइम नहीं होता बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने का, मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का, या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से लिख करके तैयार करने का। सो गाइस, इस चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी में आते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ इंटरलिंक कंसेप्ट मिल जाएंगे, वो भी बहुत जरूरी गाइस, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड CSF एंड ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ब्लड CSF मतलब ये किसके बारे में बोल रहा है, बैरियर बिटवीन ब्लड एंड CSF। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था गाइस, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज पिछली वीडियो पहले देख के आए, ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन तभी अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये बैरियर किसके बीच में, ब्लड और CSF के बीच में, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर, ये बैरियर है बिटवीन ब्लड एंड ब्रेन फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये ब्लड और CSF के बीच में बैरियर मतलब ये कोरोइड प्लेक्सस पे बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ब्लड और CSF को मिक्स नहीं होने देता, ये बैरियर है। और ये किस चीज की बात कर रहा है, जब आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, तो मैंने आपको बताया था पेरिवेस्कुलर स्पेस कनेक्ट होती है सर्वाइकुलर लेयर से, तो ये उन दोनों के बीच में बैरियर है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब यहां से अपन कंटिन्यू करेंगे फीचर्स से, ठीक है। इसके फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज के जो एंडोथेलियल सेल्स है वो टाइट जंक्शन से अटैच्ड है, तो इसकी वजह से क्या होता है, बैरियर बना रहता है। एंडोथेलियल सेल्स आर अटैच्ड बाय टाइट जंक्शन। सेकंड, अगली क्या चीज है कि जो एंडोथेलियल सेल्स है उनके अंदर स्पेसेस नहीं है, जैसे नॉर्मल एक कैपिलरीज में होती है, नॉर्मल एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज में होती है, नॉट फेनेस्ट्रेटेड, नहीं, ठीक है। अगला क्या है, जो एस्ट्रोसाइट्स है, ठीक है ना, वो भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, तो ये भी एक बैरियर बनाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी मतलब इतना बड़ा तो कोई बैरियर नहीं बनाती होगी माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी, लेकिन एक बैरियर के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, फीचर्स देख लिया, इसके बाद जो बैरियर है वो कहाँ का है, एक तो कोरोइड प्लेक्सस पे हो गया और एक टिश्यू कैपिलरी मेम्ब्रेन्स पे हो गया, ठीक है। और सारे पूरे के पूरे ब्रेन पैरेन्काइमा में है, लेकिन गाइस आप ध्यान रखिए कहाँ पे नहीं है ये बैरियर, ठीक है, और क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तो आप सोच के देखिए, हाइपोथैलेमस में नहीं है, मतलब हाइपोथैलेमस के वहां पे नहीं है, पीनियल ग्लैंड के वहां पे नहीं है, और एरिया पोस्ट्रीमा के वहां पे नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जगह है इस काम के लिए कि जैसा जो ब्लड का कंपोजिशन है, ठीक है ना, तो उसको मतलब एसेस करने के लिए। अब जैसे देखो क्या है, मैं आपको एक इजी भाषा में समझाता हूँ, देखो अब यहाँ पे क्यों नहीं है, वैसे मेनली तो क्या कारण है कि जिससे चीजें डिफ्यूज इजीली हो जाए, डिफ्यूज इजीली, तो यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत आसानी से होता है। और ये डिफ्यूजन हम लोग क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है जैसे हाइपोथैलेमस, यहाँ पे क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स है, तो इन सारी जगह पे क्या है, सेंसरी रिसेप्टर्स है जो बस ये देखते हैं कि बॉडी फ्लूइड में क्या चेंजेस आए, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, जैसे चेंजेस इन ऑस्मोलैलिटी हो गया, ग्लूकोज कंसेंट्रेशन का क्या चेंजेस है, ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 2 है जो थर्स्ट को रेगुलेट करता है ना, वो कितना है, मतलब ये सब मैकेनिजम्स है ना, तो ये हार्मोन्स इससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स और कुछ चीजें यहाँ पे आसानी से डिफ्यूज करी जा सकती है और करनी ही होती है, इसलिए यहाँ पे अच्छे से ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता, ठीक है। थर्ड क्या, ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स को ले जाते हैं, जैसे मान लो हार्मोन्स, ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कैरियर मॉलिक्यूल्स है हार्मोन की ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे लेप्टिन हो गया, ठीक है, जिससे वो ब्लड में हाइपोथैलेमस में जा पाए और हाइपोथैलेमस के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को बाइंड कर पाए, जिससे एपेटाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी ये सब अपन मैनेज कर सकते हैं ब्रेन ब्रेन क्या ब्लड फ्लूइड के कॉम्पोजिशन के हिसाब से, क्या ब्लड फ्लूइड की क्या आज की तारीख में पोजिशन है, ठीक है ना। और ये जो ब्लड CSF और ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है,
तो जैसे अपन जो थेरेप्यूटिक ड्रग देते हैं, तो ये दोनों चीजें क्या करती है, ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ाने नहीं देती ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। जैसे प्रोटीन की एंटीबॉडीज हो गई, तो ये ज्यादा ब्रेन में बढ़ती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर हमेशा वहां रहता है, ठीक है। और अगला एक अपन देखेंगे लंबर पंचर, ठीक है। तो लंबर पंचर किस काम के लिए कर सकते हैं, जैसे अपन को सीएसएफ चेक करना है कि सीएसएफ में कोई, जैसे अगर कहीं ट्रॉमा वामा होता है तो सीएसएफ में क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, व्हाइट ब्लड सेल्स आरबीसी आ जाते हैं। तो उनको चेक करने के सबसे अच्छी जगह जो होती है वो होती है L3 L4 वर्टिब्रे के बीच में, क्यों? क्योंकि L1 तक तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है, तो उसको कोई हार्म नहीं होता, तो वहां से अपन निडल डाल सकते हैं और सीएसएफ के सैंपल को ले सकते हैं और उसको एसेस कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं लंबर पंचर। और ये परफॉर्म कब कब किया जाता है, परफॉर्म इन, अगर जैसे अपन को मतलब सीएसएफ चाहिए फॉर डायग्नोस्टिक पर्पजेस, जैसे मेनिनजाइटिस हो गया, ठीक है ना, किसी भी कारण से मेनिनजाइटिस हो गया, तो उसके अंदर अपन सीएसएफ को चेक करते हैं, तो यहां से ड्रेन करते हैं, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए अपन लंबर पंचर करते हैं, ठीक है। अगला कुछ अदर ड्रग्स देने के लिए, एडमिनिस्टरिंग अदर ड्रग्स, ठीक है गाइस। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, और गाइस अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैंने बता रखा है कि जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे मैं आपको सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस देता जाऊंगा अच्छे से नोट्स बना के पीडीएफ फॉर्म में, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें वीडियो, ज्यादा से जल्द से जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब हो पाए। और गाइस कमेंट में लिख के जरूर बताइए कैसी लगी वीडियो, खराब लगी तो खराब बोलिए, अच्छी लगी तो अच्छी बोलिए, सजेशन देना सजेशन दीजिए, आप चाहते हैं इस टॉपिक पे वीडियोस बने तो वो टॉपिक बताइए। सो गाइस जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कराइए गाइस, मैं भी मोटिवेटेड रहता हूँ। सो तब तक के लिए बाय बाय।